मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। एक्टिव पैसिव वॉइस का अब तक हमने पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट पढ़ा था। आज हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर जो यूज़ होती है पैसिव वॉइस बनाते हुए, वो यूज़ होती है हैड बीन। इसमें स्ट्रक्चर जो होता है पैसिव वॉइस का, वो देखिए क्या बनता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपका सबके साथ हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज़ होगी, वो होगी हैड बीन। देखते हैं एग्जांपल। रुचि हैड डन द वर्क। द वर्क, अब हम जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसे न्यू सब्जेक्ट लेंगे, द वर्क। आफ्टर डैट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन डन बाय रुचि। रुचि जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन गया, न्यू ऑब्जेक्ट। अगर ये नेगेटिव होगा तो हम इसे कैसे बनाएंगे, द वर्क हैड नॉट बीन, हैड के बाद और बीन से पहले नॉट लगेगा, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय रुचि। नेक्स्ट आपका जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो स्टार्ट होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब से, और सेकंड जो आपके स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर आपका क्वेश्चन वर्ड आता है और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। देखिए जैसे एग्जाम्पल है, हैड ही नॉट, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों हैं। देखिए, हैड ही नॉट टोल्ड द ट्रूथ बिफोर द एंड ऑफ द केस। अब हम इसे हेड से स्टार्ट करेंगे, हेड। अब यहाँ पर बच्चों ये ट्रुथ जो है ये हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ये हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा। हैड द ट्रुथ नॉट बीन टोल्ड, ये हमारा बिफोर द एंड ऑफ द केस, ये हमारा टोल्ड के बाद आएगा, बिफोर द एंड ऑफ द केस बाय हिम। ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। सेकेंड टाइप का देखें इंटरोगेटिव, Why had you beaten the old servant before going out? ये देखिए कैसे बनेगा, why का why क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब why had। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट हमारा द ओल्ड सर्वेंट बीन, क्योंकि इसमें आपको पता है, मैंने आपको बताया कि पहले भी कि हेल्पिंग वर्ब उसके बाद अगर हमारा इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आफ्टर डेट सब्जेक्ट और फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन बिफोर गोइंग आउट बाय यू। ओके स्टूडेंट, आपको इसी तरीके से ये सेंटेंसेस बनाने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे मैसेज से या कॉल से पूछ सकते हैं। ओके इसकी एक्सरसाइज मैं आपको भेजूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके थैंक यू।